हेलो गाइस, वेलकम टू ऑन चैनल ऑप्शन ट्रेडर्स। तो गाइस पहले देख लेते हैं देश दुनिया की खबरें, ग्लोबल मार्केट देख लीजिए। एसडीएक्स निफ्टी 15,850.47 और यूएस मार्केट देख लीजिए 23.22 पॉइंट ऊपर है। फ्यूचर यूएस 30 और डाउ जोन देख लेते हैं, डाउ जोन भी 21 पॉइंट ऊपर है और मिले जुले आसार दिख रहे हैं अभी। और फ्यूचर देख लेते हैं नेगेटिव, ऐसी ही वजह थोड़ी बहुत। अब चलते हैं हम सीधे अपने वॉच लिस्ट पर। तो कल की वीडियो में गाइस जैसे मैंने बताया था, जिनमें भी पुटे मेरी भी पोजीशन होल्ड थी, मैंने आज उसमें प्रॉफिट बुक कर लिया। अब गाइस देखते फटाफट इन्फोसिस। अब 1 आवर गाइस नेटवर्किंग इशू थोड़ा सा है, देखिए 1 आवर के चार्ट पे मैंने कैंडल स्टिक लगा रखा गाइस। और यहाँ पे मैं बताऊँ तो MACD देखेंगे आपको, हिस्टोग्राम यहाँ से और नीचे की तरफ नेगेटिव डाइवर्जन और यहाँ पे बीरिस क्रॉस ओवर की तरफ है। तो ऐसा लग रहा है मुझे ये कल इसमें गिरावट एक आ सकती है। और इसको हम देख लेते हैं हैकिन ऐसी करके क्या बोलता हमारा 15 मिनट पे। तो गाइस 15 मिनट पे अभी तक हमारे में सेल सिग्नल नहीं दिया हमारे इंडिकेटर ने, जो मैं यूज करता हूँ तो कैंडल स्टिक में करता हूँ। तो गाइस इसको आप अपनी रडार पर रखिएगा। एशियन पेंट गाइस देखिए, एशियन पेंट में थोड़ा सा मैं आज मौका चूक गया। एक्चुअली देखिए इसमें सेल सिग्नल दिया हुआ है, अब मैं आपको हैकिन ऐसी करके दिखाऊँ। देखिए पहले बाय सिग्नल दिया हुआ था बट बाद में इसमें सेल सिग्नल जनरेट हुआ है और ये हुआ है कहाँ पे 383 के आसपास। और इसको हम कर लेंगे 30 मिनट। देखिए ऑलरेडी सेल पे चल रहा है और कर लेंगे इसके हम 1 आवर। तो सेल सिग्नल देखिएगा इस ऑलरेडी 1 आवर के टाइम फ्रेम पे सेल सिग्नल इसने दिया हुआ है 3,091 समथिंग 2100 के आसपास दिया है। तो अभी भी इसमें गिरावट किस लेवल तक आ सकती है, तो मुझे लग रहा है 3,000 के लेवल तक। तो कल या इसी वीक में ही 3,000 का लेवल दिखा देना चाहिए। तो इसका जो लेवल और देखें हम नीचे, तो बड़ा मुझे क्या है कैंडल स्टिक लगा लेते हम। कैंडल स्टिक में देखिए यहाँ से एक जो इसका सपोर्ट बनेगा सबसे पहले तो यही बनेगा 2985 का है लेवल। उसके बाद टूटता है तो ये फिर यहाँ पर आके रुकेगा 2910 के आसपास। तो गाइस इसे भी अपनी निगाह पे मतलब रडार पे रखिएगा। अब देखते हैं डॉक्टर रेड्डी। डॉक्टर रेड्डी मेरी कॉल की पोजीशन थी, मैंने काट जल्दी ही, बट इसमें देखिए डे के चार्ट पे सेल दिया है। अगर आप अगस्त एक्सपायरी की पुट लेना चाहते हैं ना तो थोड़ी दूर की पुट ले सकते हैं। मुझे लग रहा है कि अगले महीने में ये गिरावट आएगी डे के चार्ट पे बेरी से इसका मतलब। अभी मैं आपको एक बार रुकी एक मिनट गाइस, मैं हैकिन ऐसी भी देख लेता हूँ। अभी देखिए हैकिन ऐसी पे कोई सेल सिग्नल नहीं आ रहा है, इसलिए हम इसमें अभी कोई सेल सिग्नल की पोजीशन नहीं बनाएंगे। हमारा देखते हम 4 आवर पे है क्या। हाँ जी देखिए 4 आवर पे है। अब हम देख लेते हैं 1 आवर पे, तो 1 आवर पे बाय है और 30 मिनट पे बाय है, 15 मिनट पे बाय है, ये सेल सिग्नल है। तो इसमें भी हम छोड़ देंगे इसमें, क्योंकि टाइम फ्रेम पे जो लगातार कॉम्बिनेशन हमको एक जैसा मिलता है बाय 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 या सेल सेल सेल, तब हम बनाएंगे, तब हम इसमें अवॉइड कर देंगे। कुछ दिन के लिए चलते हैं टाटा स्टील में। जैसा कि टाटा स्टील में बताया था कि रेसिस्टेंस का काम कर रहा था ये 1295। आज देखिए लाइन भी मैंने खींच रखी है ऑलरेडी। इसमें देखिए एक बेरिस क्रॉस ओवर 15 मिनट का तो कोई वैल्यू इतना ज़्यादा है नहीं। 1 आवर पे देख लेते हैं। देखिए 1 आवर के ऊपर मैंने जो ये खींचा था इसके ऊपर इसने आज ब्रेकआउट दे दिया है और यहीं पर सस्टेन कर रहा है। अगर ये 1295 जो ट्रेंड लाइन मैंने खींची है इसके नीचे अगर ट्रेड करना शुरू करता है तो आप एक बार पुट में जरूर पोजीशन बना सकते हैं गाइस। हैवेल्स को देख लेते हैं गाइस। आज हैवेल्स में मेरी पोजीशन थी, मैंने इसमें भी प्रॉफिट बुक कर लिया था। ये भी काफ़ी नीचे आया हुआ था, दिखाते हैं पहले हम कैंडल में। अब देखिए इसमें 1 आवर पर बाय सेल बाय सेल बाय सेल, तो मैं कैंडल स्टिक गाइस लगाया हूँ। मैं आपको बताता हूँ कि जो मैं इंडिकेटर यूज करता हूँ बाय सेल का, उसमें हैकिन ऐसी पैटर्न पर ही सटीक मुझे मिलता है। तो इसमें मैं सिर्फ लगाया हूँ आपको दिखाने के लिए। तो देखेंगे गाइस इसमें हम जूम करके, तो इसमें एक शूटिंग स्टार पैटर्न बना हुआ है देखेंगे ये, और इसमें सेलिंग भी कंफर्म हो गई है। आप इसका ऐसा लगा के 1170 का आप इसको शॉर्ट करके चल सकते हैं कल के दिन भी, अगर ये आपको ऊपर और मिलता तो। अंबुजा सीमेंट देख लेते हैं, एक बार नीचे आया 390 के आसपास और फिर ऊपर चला गया। सबके जिन्होंने प्रॉफिट बुक किया होगा, मैं भी इसमें प्रॉफिट बुक किया हूँ बट मेरे पहले से ही पुट होल्ड थी। लेकिन देखिए ये अपना जो रेजिस्टेंस है, मैंने जो लाइन खींची वहीं फेस कर रहा है। अगर इसके ऊपर थोड़ा देर सस्टेन करता है तो आप बस इसमें बाय पोजीशन बना सकते हैं 30 मिनट पे। देखते हैं नहीं, अब एक बार मैं अपना हैकिन ऐसी देख लेता हूँ क्या कंडीशन है। देखिए इसमें 30 मिनट पे बाय है, तो मुझे लग रहा है कल ये तोड़ सकता है मार्केट अगर
बुलजन में रहा तो 15 मिनट पर देखते हैं। बाय है और 1 आवर पे, 1 आवर पे क्या है देख गाइस, इसमें 1 आवर 30 मिनट और 15 मिनट पे बाय है, इसका मतलब ये बुलिस है। थोड़ा बहुत नीचे गिरेगा लेकिन ऊपर जाएगा। और देखिएगा इसमें भी मैंने कॉल दी थी अपने ग्रुप में टाटा मोटर्स में, टाटा मोटर्स में मैंने बोला था कि ये काफ़ी गिरता देखिए लगातार कहाँ से सिग्नल दिया हुआ है अभी तक है, और उसका 60 टाइम पर देखेंगे 15 मिनट पर हम सॉरी गाइस 15 मिनट पर, तो 15 मिनट पर अब इसमें एक बाय सिग्नल जनरेट हुआ। तो मैंने इसमें बोला था एक बार इसमें आप 290 का ऐसे लगा कि इसमें बाय के लिए 3 रुपये का ऐसा ले, अब मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर यहाँ पर सपोर्ट लेके ऊपर को जाता है तो अच्छा मूव थोड़ा सा आपको देगा। एक बार ऑप्शन चेंज देख लेते हैं इसी एक्सपायरी की, तो 290 पे देख लीजिए कॉल में कहाँ पे 300 पे इसका बहुत बड़ा ओपन इंटरेस्ट है 52 लाख का, और नहीं तो इससे ऊपर जाएगा 310 पे 83 लाख, यानी इस एक्सपायरी में ये 310 के ऊपर जाने के चांसेस बहुत कम है इसके हैं। पुट की तरफ सपोर्ट, तो ये सपोर्ट इसका जो है पहला बनता 38 लाख का 290, तो मुझे थोड़ा सा पैटर्न भी ऐसा लग रहा है और ओपन इंटरेस्ट की वजह से मैंने इसको दिया हुआ था। बंधन बैंक निकलते हैं, बंधन बैंक के तो बुरे हाल हो गए हैं गाइस, थोड़ा सा नेटवर्किंग इशू है। बंधन बैंक में देखिए सेल सिग्नल जनरेट हुआ था, 15 मिनट पे सेल चल रहा है, 30 मिनट पे देखते हैं यहाँ भी सेल है, 1 आवर पे देखते हैं यहाँ भी सेल है, 4 आवर देखते हैं, यानी इसमें सेल ही सेल है, तो इसको छोड़ते काफ़ी नीचे गिर चुका हुआ है, जैसे कोई पैटर्न बनेगा तो बताएंगे। DLF को देख लेते हैं, DLF एक बार भागा है अच्छी तरह से, उसके बाद भी वहीं घूम रहा है 330 के आसपास ही। देखिए 4 आवर पे बाय है, 1 आवर पे भी बाय है, 30 मिनट पे भी बाय ही है, 15 मिनट पे देखिए इसने सेल सिग्नल दिया है कल के दिन में, तब इसको चाहते हैं तो 336-337 के सेल के साथ, अगर आपके 335 के आसपास या 336 के आसपास मिलता है पुट में पोजिशन बनाइए इसमें। तो गाइस ऐसे बहुत सारे स्टॉक है, अगर आपकी किसी स्टॉक में इंक्वायरी है या कुछ जानना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं गाइस। बाकी गाइस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। गाइस मैंने एक स्टॉक दिया था हिंडाल को इसको देख लेते हैं गाइस, इसमें एक चीज़ देखेंगे हम गाइस, ये है डेके चार्ट पे, देखिए इसमें एक बाय सिग्नल मिला हुआ है मुझे, तो मुझे मैंने इसको अपने ग्रुप में भी इसकी मैंने कॉल दे दी थी दोपहर में ही, अगर आपको इसका 375 370 में बोलता हूँ 370 का वैसे रखिए इसको, और ये आज ऊपर चला गया, मैंने इसमें जब कॉल दी थी तो ये चल रहा था 388 के आसपास समथिंग चल रहा था, 88 के आसपास 88 था शायद, तो दिखाता हूँ मैं एक बार ग्रुप में आपको, देखिए इधर से बैग कहाँ आ गया, हाँ देखिए अपन देखिए बाय, देखिए कैश बाय हिंडाल को SL 375 टारगेट 425, देखिए 14:58 मैंने डाला था इसको। तो गाइस मैं जो हमारा व्हाट्सएप प्रीमियम ग्रुप है अगर इसके साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के साथ डीमैट अकाउंट ओपन कीजिए, हम आपको अपने व्हाट्सएप प्रीमियम ग्रुप में जोड़ देंगे, वही बिना किसी चार्जेस के, जहाँ पर आप हमारे द्वारा दी गई कॉल के द्वारा अच्छा पैसा बना सकते हैं इंट्राडे या फिर शॉर्ट टर्म में ट्रेडिंग करके ऑप्शन कैश। तो गाइस इस वीडियो में बस इतना ही, बाकी अगर आपकी कोई इंक्वायरी है तो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, थैंक यू।